नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। आइए आज हम सभी जानते हैं टमाटर के गुणों के बारे में। टमाटर विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली सब्जी है। इसका पुराना वानस्पतिक नाम लाइकोपोरसिकान एस्कुलेंटम मिल है। वर्तमान समय में इसे सोलेनम लाइकोपोरसिकान कहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना टमाटर के खाना बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो आइए इसीलिए हम जानते हैं टमाटर के गुणों और ख़ास करके औषधीय गुणों के बारे में, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। टमाटर जितना दिखने में अच्छा लगता है उतना ही खाने में स्वादिष्ट भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी। तभी तो टमाटर का उपयोग सब्जी के रूप में करने के साथ साथ सलाद और चटनी तथा सूप के रूप में बहुतायत मात्रा में किया जाता है। टमाटर का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि 15वीं सदी में अमेरिका के रोल्को द्वीप पर सबसे पहले यह फल देखने को मिला, जिसकी खोज सर वाल्टर रेले द्वारा किया गया, किंतु उस समय लोगों ने इसे जहरीला फल समझा, इसीलिए इसका उपयोग खाने के रूप में नहीं किया गया। यूरोप में टमाटर को बागवानी की साज बनाए रखने के लिए ही बोया जाता था। उस समय कुछ लोग इसे लव एप्पल कहा करते थे, किंतु अमेरिका में इसे टोमेटो नाम से ही पुकारा गया। भारत में टमाटर को लाने का श्रेय मैक्सिको वासियों को जाता है। वे टमाटर को लव एप्पल के रूप में यहाँ लाए थे, लेकिन देशवासियों ने इसका स्वागत विलायती बैंगन कहकर किया। कुछ लोगों ने इसके गुण दोष से अनभिज्ञ होने के कारण इसे अनजान फल भी कहा। जैसे जैसे टमाटर के गुण और दोष का पता चलता गया, वैसे वैसे टमाटर भारतीयों के लिए रसोई की शान बन गया। आज देश भर में व्यापक स्तर पर टमाटर की खेती होती है और लोग बड़े चाव से कभी विलायती बैंगन रहे टमाटर को आज खाते हैं। टमाटर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी पाए जाते हैं। एसिडिटी की शिकायत होने पर टमाटरों की खुराक बढ़ाने से यह शिकायत दूर हो जाती है। हालांकि टमाटर का स्वाद अम्लीय यानी कि खट्टा होता है, लेकिन यह शरीर में क्षारीय प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है। लाल लाल टमाटर देखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही पौष्टिकता से भरा हुआ होता है। भारत में बेहद लोकप्रिय टमाटर की चटनी को बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है। यह चटनी नाश्ते में समोसे, आलू वड़ा, पकोड़े, वड़े, डबल रोटी इत्यादि के साथ आसानी से खाई जा सकती है। वैसे टमाटर की मीठी चटनी टोमेटो केचप या सॉस के रूप में आम बाज़ार में भी मिल जाएगी आपको। अब तो इसका व्यावसायिक दृष्टि से भी उत्पादन किया जाने लगा है। इसके खट्टे स्वाद का कारण यह है कि इसमें साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण यह प्रत्यम्ल यानी कि एंटासिड के रूप में कार्य करता है। टमाटर में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यह आँखों के लिए बहुत लाभकारी है। टमाटर खट्टा, मीठा, पाचक, शक्तिवर्धक और रुचिवर्धक होने के कारण ही अतिसार, उदय रोग, मोटापा रोकने में औषधि का कार्य करती है। इसमें लौह तत्व की मात्रा दूध से दुगनी एवं अंगूर, मौसमी, तरबूज, खरबूजा इत्यादि फलों से ज़्यादा पाई जाती है। टमाटर में कैल्शियम, चूना, गंधक, साइट्रिक एसिड इत्यादि तत्व भी बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। टमाटर जहाँ विटामिनों का खान है वहाँ स्वाद का राजा भी है, जो भूख बढ़ाने में सहयोग करता है। टमाटर का सेवन करने से कब्ज दूर होती है, रक्त विकार से मुक्ति मिलती है एवं बेरी बेरी, गठिया, सूखा, एक्जिमा जैसे रोगों में रामबाण औषधि के रूप में कार्य करती है टमाटर। टमाटर खाने वालों को मधुमेह, नज़ला, जुकाम, दांतों की बीमारी एवं रक्तस्राव जैसी बीमारियां भी नहीं घेरती हैं। साथ ही यह नेत्र रोगों को भगाने का भी रामबाण नुस्खा है। लेकिन अधिक मात्रा में टमाटर का सेवन करने से कई बार गंभीर रोग भी हो जाते हैं, जिसमें कैंसर, पथरी, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, कमर में दर्द तथा प्रदर रोग इत्यादि शामिल हैं। इसीलिए संतुलित मात्रा में नियमित टमाटर का सेवन किया जाना चाहिए, जो कि स्वास्थ्यवर्धक है।
वहीं टमाटर का अत्यधिक मात्रा में सेवन किया जाना कष्टकारक भी बन सकता है। शरीर के लिए टमाटर बहुत ही लाभकारी होता है, इससे कई रोगों का निदान होता है। टमाटर शरीर में विशेषकर गुर्दों के रोग के जीवाणुओं को निकालता है। यह पेशाब में चीनी के प्रतिशत पर नियंत्रण पाने के लिए प्रभावशाली होने के कारण मधुमेह के रोगियों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होने के कारण इसे एक उत्तम भोजन माना जाता है। टमाटर से पाचन शक्ति बढ़ती है, इसके लगातार सेवन से जिगर बेहतर ढंग से कार्य करता है और गैस की शिकायत भी दूर होती है। जो लोग अपना वजन कम करने के इच्छुक हैं उनके लिए टमाटर बहुत उपयोगी है। एक मध्य आकार के टमाटर में केवल 12 कैलोरीज होती हैं, इसीलिए इसे पतला होने के भोजन के लिए उपयुक्त माना जाता है। माना जाता है कि टमाटर इतने पौष्टिक होते हैं कि सुबह नाश्ते में केवल 2 टमाटर संपूर्ण भोजन के बराबर हो जाता है। ऐसा नियमित रूप से सेवन करते रहने से आपके वजन में जरा भी वृद्धि नहीं होगी। इसके साथ साथ यह पूरे शरीर के छोटे मोटे विकारों को भी दूर करता है। टमाटर के नियमित सेवन से श्वास नली का शोथ कम होता है। प्राकृतिक चिकित्सकों का कहना है कि टमाटर खाने से अति संकुचन भी दूर होता है और खांसी तथा बलगम से भी राहत मिलती है। अधिक पके लाल टमाटर खाने वालों को कैंसर रोग नहीं होता है। इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ जाती है। टमाटर लगभग हर सब्जी में प्रयोग किया जाता है, इसके बिना खाना अधूरा माना जाता है। सलाद के रूप में भी इसे काफ़ी पसंद किया जाता है। टमाटर में प्रोटीन, विटामिन, वसा इत्यादि तत्व विद्यमान होते हैं। यह सेब संतरा दोनों के गुणों से युक्त होता है। इतना ही नहीं, यह अनेक बीमारियों का इलाज भी करता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी टमाटर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि टमाटर में क्या क्या गुण हैं और कैंसर से बचाव के लिए यह कितना फायदेमंद है। शोध के अनुसार लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ द्वारा भारतीय मूल के शोधकर्ता की अगुवाई में वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह दावा किया है कि पके हुए टमाटर में एक ऐसा पौष्टिक तत्व पाया जाता है जो प्रोस्टेट कैंसर की कोशिकाओं की वृद्धि को न केवल रोकता है बल्कि उनको समाप्त भी कर देता है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने टमाटर में पाए जाने वाले लाइकोपीन तत्वों के प्रभावों की जांच की। इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि टमाटर को लाल रंग देने वाला लाइकोपीन कैंसर की कोशिकाओं के स्वकस्यों रक्त से जुड़ने की क्षमताओं को ख़त्म कर डालता है। अध्ययन रिपोर्ट बताती है कि वज़न घटाने में मदद करने के साथ ही टमाटर कई तरह के कैंसर को भी रोकने की क्षमता रखता है। हाल ही में हुई एक रिसर्च से साबित हुआ है कि अगर आप एक हफ्ते में 10 बार टमाटर खाते हैं तो कैंसर होने का खतरा 45% कम हो जाता है। इतना ही नहीं, टमाटर को सलाद में लेने से पेट के कैंसर होने का रिस्क 60% तक घट जाता है। दरअसल रिसर्च बताती है कि टमाटर में लाइकोपीन खासी अमाउंट में पाया जाता है और यह कई तरह के कैंसर को रोकने में फायदेमंद है। डाइट एक्सपर्ट्स हरे टमाटर की तुलना में लाल टमाटर को ज़्यादा फायदा देने वाला बताते हैं, क्योंकि फ्राई करने पर यह लाइकोपीन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है। रिसर्च से यह भी पता लगा है कि टमाटर को तेल में फ्राई करने के बावजूद उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होते। लाइकोपीन के अलावा टमाटर में पोटेशियम, नियासिन, विटामिन B6, फोलेट होते हैं जो दिल की सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इतना ही नहीं, टमाटर में 2 एंटी एजिंग कंपाउंड्स आइकोपीन और बीटा कैरोटीन भी मौजूद होते हैं। अब आप जब भी टमाटर खरीदने जाएं तो लाल टमाटर ही चुनें। इनमें बीटा कैरोटीन एवं आइकोपीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। वैसे अगर आप अपना वज़न कम करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी टमाटर आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। इसमें फाइबर ज़्यादा एवं कैलोरीज कम होती हैं जो वेट घटाने में मदद करती हैं। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन भी बॉडी के लिए बेहद फायदेमंद है। दरअसल यह बॉडी में विटामिन ए में बदल जाता है और यह तो सभी जानते हैं कि विटामिन ए त्वचा एवं बालों,
हड्डियों एवं दांतों को हेल्दी रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। खट्टा मीठा टमाटर पकाने के बाद खाने के जायके को जितना बढ़ाता है उतना ही अधिक लाभ सलाद के रूप में लेने पर भी करता है। टमाटर में प्रोटीन, विटामिन, वसा इत्यादि तत्व विद्यमान होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। इसके अलावा भी टमाटर खाने से कई लाभ होते हैं। अब हम इसके औषधीय गुणों को जानते हैं। टमाटर सिर्फ एक सब्जी ही नहीं बल्कि ये अपने आप में एक संपूर्ण औषधि है। टमाटर खा करके आप कई रोगों का इलाज कर सकते हैं। आइए जानते हैं। बच्चों को सूखा रोग होने पर आधा गिलास टमाटर के रस का सेवन कराने से फायदा होता है। दो या तीन पके हुए टमाटरों का नियमित सेवन करने से बच्चों का विकास शीघ्र होता है। शरीर का भार घटाने के लिए सुबह शाम एक गिलास टमाटर का रस पीना लाभदायक होता है। यदि गठिया रोग में एक गिलास टमाटर के रस की सौंठ तैयार करके उसमें एक चम्मच अजवाइन का चूर्ण मिलाकर सुबह शाम पिया जाए तो लाभ होता है, गठिया रोग दूर हो जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए सुबह एक गिलास टमाटर के रस का सेवन सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। डायबिटीज एवं दिल के रोगों में भी टमाटर बहुत उपयोगी होता है। इसमें कैलोरीज कम होती हैं इसीलिए सलाद के रूप में खाया जाता है। यह शरीर को कई तरह की बीमारियों से मुक्ति दिलवाने में मदद करता है। टमाटर खाने वालों को कैंसर रोग नहीं होता है। टमाटर के नियमित सेवन से पेट साफ रहता है। कफ होने पर टमाटर का सेवन अत्यंत लाभदायक है। सुबह बिना कुल्ला किए पका हुआ टमाटर खाना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। पेट में कीड़े होने पर सुबह खाली पेट टमाटर में पीसी हुई काली मिर्च लगाकर खाने से लाभ होता है। भोजन करने से पहले दो या तीन पके हुए टमाटरों को काटकर उसमें पीसी हुई काली मिर्च, सेंधा नमक एवं हरा धनिया मिलाकर खाएं। इससे चेहरे पर लाली आती है एवं पौरुष शक्ति बढ़ती है। टमाटर के गुदे में कच्चा दूध, नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे पर चमक आ जाती है। टमाटर के नियमित सेवन से अन्य रोग जैसे कि डायबिटीज, आँखों और पेशाब संबंधी रोग, पुरानी कब्ज, चमड़ी के रोग का उपचार होता है। इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। टमाटर से पाचन शक्ति बढ़ती है। इसमें साइट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल पाया जाता है इसीलिए यह एंटासिड के रूप में कार्य करता है। टमाटर खाने से भूख बढ़ती है। इसके अलावा टमाटर पाचन शक्ति, पेट से संबंधित अनेक समस्याओं को दूर करता है। टमाटर खाने से पेट साफ रहता है और इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। टमाटर खाने से सनबर्न और टैन स्किन में फायदा होता है। टमाटर में पाए जाने वाला लाइकोपिन तत्व त्वचा को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। पेट में कीड़े हैं तो हर रोज खाली पेट टमाटर खाना फायदेमंद होता है। टमाटर में हींग का छौंक लगाकर पीजिए, पेट के सारे कीड़े मर जाएंगे। टमाटर पर काली मिर्च लगाकर खाना भी फायदेमंद होता है। डायबिटीज रोगियों के लिए टमाटर खाना बहुत फायदेमंद होता है। हर रोज एक खीरा और एक टमाटर खाने से डायबिटीज रोगी को लाभ मिलता है। टमाटर आँखों एवं पेशाब संबंधी रोगों के लिए फायदेमंद होता है। लीवर और किडनी के लिए भी टमाटर का प्रयोग किया जाता रहा है। टमाटर खाने से लीवर और किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। हर रोज टमाटर का सूप पीने से लीवर और किडनी को फायदा होता है। अगर आपको गठिया है तो टमाटर का सेवन कीजिए। एक गिलास टमाटर के रस को सौंठ में डालकर अजवाइन के साथ सुबह शाम पीजिए, गठिया में फायदा होगा। अगर चाहते हैं कि आप एक स्वस्थ जीवन जिएं और प्रोस्टेट कैंसर जैसी घातक बीमारी से दूर रहें तो जरूरी है कि आप रोजाना कम से कम 10 टमाटर जरूर खाएं। शोध में प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित 50 से 69 साल की उम्र के लोगों की जीवन शैली पर अध्ययन किया गया। जो व्यक्ति सप्ताह में 10 से ज़्यादा टमाटर खाता है उसे प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा 18% तक कम रहता है। यह जानकारी एक शोध में पाई गई है। शोध में प्रोस्टेट कैंसर की आहारीय तालिका विकसित की जिसमें आहारीय अवयवों, सेलेनियम, कैल्शियम और वैसे खाद्य पदार्थ जिनमें लाइकोपिन की प्रचुरता होती है शामिल किया गया। पाया गया कि जिन लोगों ने इन तीन आहारीय अवयवों को खाने में शामिल किया उनमें प्रोस्टेट कैंसर की आशंका नहीं पाई गई। टमाटर और उसके उत्पाद
जैसे टमाटर का जूस और पकाए हुए बिन सबसे ज़्यादा गुणकारी पाए गए 10 भाग से ज़्यादा खाने वाले पुरुषों में बीमारी होने का खतरा 18% तक कम पाया गया है। तो देखा दोस्तों आप सभी ने, लाल और खूबसूरत सा दिखने वाला टमाटर हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना खूबसूरत फायदा देता है, कितना लाभकारी होता है। ठीक अगले अंक में हम ऐसे ही जुड़ेंगे एक और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के, एक बेहद ही महत्वपूर्ण औषधि लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।